अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबशिर इरशाद और आप देख रहे हैं MMI टेकवर्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाले अपडेट्स जल्द और आसानी से मिल सकें। आज की वीडियो में हम किसी भी नंबर का, आप जो भी नंबर एंटर करेंगे उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मतलब जो भी आप नंबर एंटर करेंगे, जिस तरह के भी नंबर होगा, मतलब वो नंबर इंटीजर ही होगा, तो अब इंटीजर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो तो उसमें किस तरह का प्रोग्राम होगा वो आज हम देखते हैं। C++ हम ओपन करते हैं, ठीक है। ये C++ जो है हमने ओपन कर लिया, यहाँ से हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो हमने इसको जूम कर लिया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है इंटीजर, जो भी हम एंटर करेंगे उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह करके उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये हमारे पास प्रोग्राम है, अब इसको हम समझते हैं कि ये किस तरह कैलकुलेट होगा। ये हैश इंक्लूड, हमने स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपको पता ही है, एडर फाइल्स हैं, ठीक है। और इसके बाद वन मेन फंक्शन है, और इसके बाद आप क्या करते हैं, ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब क्या है जी, इंट एन, इसलिए क्या है इंटीजर एन होगा, जो भी हम जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं उसको हम एन में स्टोर करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये इंटीजर एन की है। अब डबल पी इसलिए किया है, जो प्रोडक्ट होगा फैक्टोरियल को हमने प्रोडक्ट से डिनोट करना है पी से, तो डबल पी इसलिए किया है कि जो इंटीजर होता है ना उसकी वैल्यूज़ जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो कम होती है, इंटीजर से ज़्यादा फ्लोट की होती है। फ्लोट की कैपेसिटी जो है वो डबल से कम होती है। अब अगर आप ज़्यादा नंबर जो मतलब 100 है उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहें तो हो सकता है कि 100 का फैक्टोरियल जो है वो फ्लोट की जो मेमोरी है उसमें ना आए, या इंटीजर की मेमोरी में ना स्टोर हो। तो इसलिए हमने डबल यूज़ किया ताकि मतलब आप जितने नंबर, जो भी नंबर आप बड़ा से बड़े नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये हमने एंटर नंबर का, ये हमने लिख दिया, डबल लिख दिया, ठीक है। एंटर नंबर जो एन होगा, एंटर एन, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, सी एन ग्रेटर देन एन। आप यहाँ पे जो है ये हम एंटर करवा देंगे एन की वैल्यू को, ठीक है। अब ये पी इज इक्वल टू 1 लिखा है क्योंकि हमने प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट में हमेशा आप 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 तो हम नहीं ले सकते। पी इज इक्वल टू 1 हमने इसलिए इनिशियलाइज किया है। अब प्रोडक्ट एक तरह के आप कहें तो फॉर लूप ही है, मतलब फॉर लूप इसलिए क्योंकि हमने जो भी नंबर एंटर करना है हमें उस नंबर तक के नंबर्स चाहिए उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मतलब 5 एंटर करना है तो हमें 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर्स चाहिए, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमें फैक्टोरियल मिलेगा। तो हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया, इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, लेस देन और इक्वल टू एन किया, जो हम नंबर एंटर करेंगे वो यहाँ पे आएगा, मतलब हमने उस तक ही पहुँचना होता है। और आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस या आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट लगा दिया, यहाँ पे आप कंपाउंड स्टेटमेंट ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आगे हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो 1 है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट ना लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपाउंड तब लगती है जब आपके पास फॉर लूप में 1 या 1 से ज़्यादा स्टेटमेंट आ रही हो, ठीक है। तो ये 1 से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तब कंपाउंड लगती है, 1 स्टेटमेंट हो तब आप इस तरह ही लिख सकते हैं। अब p इज इक्वल टू p स्टैरिक i, मतलब फॉर लूप जब आएगा i इज इक्वल टू 1 पे तो ये क्या है, p इज इक्वल टू p स्टैरिक i, मतलब 1 और ये भी 1, ये 1 और 1 1 हो जाएगा। फिर फॉर लूप आएगा i इज इक्वल टू 2 पे, तो अब p में 1 स्टोर हो गया था, तो अब p ये यहाँ पे 1 आएगा और ये i क्या 2 हो जाएगा, तो 1 × 2 2 हो जाएगा। अब p में क्या 2 स्टोर है, फिर आएगा i इज इक्वल टू 3, तो 3 यहाँ पे i तो 3 होगा और p क्या होगा, p पहले 2 स्टोर हो चुका है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3, तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब फिर आएगा अगर i जो है वो 4 होगा, तो i 4 आएगा तो 6 × 4 = 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह प्रोडक्ट होता जाएगा, आपके पास फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। अब सी आउट करेंगे स्लैश एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू पी, ठीक है। जो भी हमारे पास फैक्टोरियल, इसको हम ये मैसेज प्रिंट करना चाहेंगे कि फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ये हम इतना मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और पी जो हमारे पास ये प्रोडक्ट कैलकुलेट हुआ है दरअसल हमारे पास फैक्टोरियल ही है, तो यहाँ पर ये हमारे पास पी की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी। सी आउट थैंक्स, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। इसको हमने रन किया जी, सी आउट एंटर एन, एंटर एन का मैसेज आया था, हम एंटर कर देते हैं। लेट्स सपोज आपकी आसानी के लिए कि 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल आपको पता है 120 होता है, तो ये 5 फैक्टोरियल उसने 120 दे दिया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप फिर अगर दोबारा रन करें और आप कोई और नंबर का फैक्टोरियल देखना चाह रहे हो तो भी आप देख सकते हैं, मतलब आप 100 का फैक्टोरियल देखना चाहते हैं तो ये देखें 100 का फैक्टोरियल ये होगा। अब ये आप देखें तो 100 का फैक्टोरियल कितना बड़ा आ गया, देखें 9.333,
और ये मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर होता है। यहाँ पे आपको पहले बताया था वीडियो में कि जो ये ई लिखा होता है ना, ई ये प्लस लिखा है, प्लस का मतलब है कि ये पावर प्लस में है, तो ये मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 157 है। तो ये देखिए 100 का फोटो लेना भरा है, ये इसलिए इसमें पी में स्टोर हो गया है बिकॉज हमने पी को डबल किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये डबल हमने इसलिए किया था ताकि इतना बड़ा भी फोटो ले हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये हमने किया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप नंबर एंटर करें उसका फैक्टोरियल आ जाए, ये आप रेपिटेशन करना चाह रहे हैं, तो रिपीट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ आप ये फॉर लूप ही चलें, आपको मैं बता देता हूँ, ये फॉर लूप ही कॉपी कर लें, ठीक है, और इसको यहाँ पे आप जो है पेस्ट कर देते हैं। अब i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें और i जो लेस देन इक्वल टू n है ना, आप n तो नहीं लिखेंगे, मतलब हमने 4 दफ़ा चलाना है तो हम 4 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट लगा देते हैं। ये उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, पहले मैंने आपको सिंपल समझा, जस्ट फॉर लूप आपको यहाँ पे लगा के बता रहा हूँ कि सिर्फ आपने फॉर लूप लगाना है और बाकी कुछ नहीं हमने किया। ये देखें जस्ट फॉर लूप लगाया है और ये कंपाउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, कंपाउंड स्टेटमेंट लगा दिए, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ये 4 टाइम्स मतलब एग्जीक्यूट होगा तो उसकी 4 वैल्यूज़ के लिए होगा, ठीक है। अब एंटर करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कर देते हैं, तो फिर कहते हैं एंटर करें, हम 6 कर देते हैं, फिर कहते हैं हम 7 कर देते हैं, फिर कह रहे हैं जी एंटर करें, हम 8 कर देते हैं, और फिर थैंक्स आ गया जी। अब ये देखें 4 टाइम्स हमारे पास जो है वो एंटर वैल्यूज़ हो रही हैं और उसका फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। वो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से या किसी भी चीज़ से कि आपके पास वाकई क्या यही फैक्टोरियल आता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा और आज की जो प्रोग्रामिंग मतलब फैक्टोरियल किस तरह कैलकुलेट करना है और उसका जो भी है आपके पास, ठीक है ना, वो आप किस तरह कर सकते हैं वो आपको समझ आ गया होगा और आप अब फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए खुद से प्रोग्राम इस तरह का बना सकते हैं और फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इजी प्रोग्राम बनाया जिससे आपको समझ आ सके, ठीक है। तो आप अब उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, पॉइंट जो समझाया है फैक्टोरियल किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।